उत्तर प्रदेश हो या देश विदेश, लाइफस्टाइल हो या मनोरंजन जगत, हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें हमारे मोबाइल ऐप अलाइव 24 न्यूज को। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज, मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं देश विदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। 67 देशों के प्रतिनिधियों से वर्चुअल संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज गणेश चतुर्थी पर मंदिरों में हुई विघ्नहर्ता की पूजा, पीएम मोदी ने दी बधाई। लाखों लोगों से वर्चुअल संवाद करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध से लड़ने के लिए कड़े कानून की मांग की। विधानसभा में आज पास होंगे विधेयक, विधान परिषद की कार्यवाही में नहीं होगा प्रश्नकाल। प्रशांत भूषण पर मानहानि मामले के सीधे प्रसारण के लिए याचिका। देश में 30 लाख के करीब पहुंची संक्रमितों की संख्या, 54,000 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना मरीजों की संख्या में फिर बड़ा उछाल, पिछले 24 घंटों में 69,877 नए मरीज सामने आए। डॉक्टर योगिता हत्याकांड पर बड़ा खुलासा, फोन पर धमका तथा विवेक तिवारी, पुलिस को मिली 4 ऑडियो क्लिप। FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने से डर रहा पाकिस्तान, 88 आतंकियों पर लगाया प्रतिबंध। मैक्सिको में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 59,610 हुआ, लगभग 6,000 नए मरीज। सुरेश रैना ने सुशांत की तस्वीर को किया शेयर, ट्विटर पर लिखा सच्चाई की जीत होगी। 2021 में कब से शुरू होगा IPL, BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने दी बड़ी अपडेट। सुशांत सिंह राजपूत के सांताक्रूज स्थित गेस्ट हाउस पहुंची CBI, जांच हुई तेज। रश्मि रॉकेट के लिए तापसी पन्नू की स्पेशल ट्रेनिंग, नवंबर से शुरू होगी शूटिंग। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।